अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की थी, एक चार्ट बनाया था, और आज मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स की डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो है, हम इस तरह कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different connectivity meaning that their atom are connected in different order। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी मीनिंग डेट देयर एटम आर कनेक्टेड इनटू डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो कितनी टाइप्स हैं, देयर आर फाइव टाइप्स इन्हें सबसे पहले हम लेके चलते हैं। नंबर वन पे हमारी है चेन, चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स हमारे पास ये कह लें कि एक सिंपल कार्बन चेन के ऊपर हम बात करते हैं। चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर formula but differ in the order in which the carbon atom are bonded to each other। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एन ब्यूटेन एन आइसो, एन ब्यूटेन एन आइसो ब्यूटेन। सही है, यानी ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक चार कार्बन की चेन ब्यूटेन हो गया हमारा ये, और ये हमारे पास क्या हो गया आइसो ब्यूटेन, यानी कि एक कार्बन की चेन को उठा के मैंने उसे सेकेंड वाले कार्बन के साथ लगा दिया, तो ये हमारे क्या बन गया आइसो ब्यूटेन।
क्या हो गया, कार्बन की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी इसके ऑर्डर को हमने क्या कर दिया, चेंज कर। अब हम आगे चलते हैं मजीद, अब हम दूसरी इसकी टाइप्स करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो सब में ही आएगा। फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। जो फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं, यानी कि जो कार्बन एटम के ऊपर लगे हुए हों, उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें एग्जांपल की लेते हैं, वन ब्रोमो ब्यूटेन एंड टू ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन ब्रोमो ब्यूटेन है, ये किस में चेंज हो रहा है, टू ब्रोमो ब्यूटेन में। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। हैलोजन की पोजीशन यहाँ से उठ के सेकेंड वाले पे आके लग गई। ठीक है, अब हम थर्ड की एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक तरफ क्या लगा हुआ, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल एंड दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा हो गया मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या बन जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर, या ये भी कह सकते हैं मिथाइल मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हम मजीद आगे चलते हैं, चौथी हमारी एग्जांपल कौन सी है, मेटामेरिज्म दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to the unequal, ठीक है, unequal
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मेंबर बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल देखें, डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर या मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया डाई इथाइल इधर से ये किस में हो गया मिथाइल यानी ये कहाँ पर आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर या मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, सही है। इसके बाद हमारी पांचवी टाइप्स हैं टेटोमेरिज्म। इसको इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। एग्जाम्पल में देख लें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, ये कीटोन फॉर्म्स है, यानी कि ये हमारे पास कीटोन फॉर्म है। कीटोन फॉर्म से ये किस में चेंज हो जाएगा, इनोल फॉर्म, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप से, यानी कि हमारे पास क्या कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको हम क्या कह रहे हैं कीटो फॉर्म, तो ये किस में चेंज हो रहा है इनोल, यानी कि इन का मतलब डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH, यानी कि उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये किस में चेंज हो रहा है कीटोन फॉर्म से इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें हमारे पास पांच टाइप्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और ये टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ, टॉपिक एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ बहुत जल्दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।